DQ है ना, DQ, DQ बराबर TdX ऐसा लिखा हुआ है कुछ, वेर टी इज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम एंड डेल्टा एक्स इज द इन्फिनिटेसिमल चेंज इन थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी एक्स ऑफ द सिस्टम। मतलब ये भी डीएक्स होना चाहिए, डेल्टा एक्स की जगह डीएक्स होना चाहिए। फॉर अ मोल ऑफ 1 मोल, नंबर ऑफ मोल्स 1 गिवन है ना, अ मोल ऑफ मोनोटॉमिक गैस, मोनोटॉमिक गैस आइडियल गैस गिवन है, एक्स इज इक्वल टू 3/2 R, कितना है, एक्स इज इक्वल टू 3/2 R ln T/TA प्लस R ln V/VA, ऐसा कुछ एक्स लिखा हुआ है। वी इज द वॉल्यूम ऑफ टी एंड वी आर कॉन्स्टेंट्स, ये दिया है। अब हमें लिस्ट वन में हमें समझना है कि वर्क डन प्रोसेस, डिफरेंट जो ऑप्शंस होंगे उसमें प्रोसेस आइडेंटिफाइड हैं, तो इन प्रोसेस में हमें बताना है कि भाई इन प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा, ये सब निकालना होगा, हीट कितना एब्जॉर्ब होगी, ये सब निकालना होगा। तो ये सब बातें हमें पता करना है। तो पहली बात तो ये समझते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, जैसे आगे आगे तो हम लोग बढ़ेंगे, उसके पहले समझ लें कि ये किस बात की, क्या बात कर रहे हैं, क्या चीज है ये समझ ले। तो भाई हमें एक बात तो पता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो वैलिड होगा ही चाहे जो सिचुएशन हो। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोगों ने था DU + DW, ये लिखा है कि नहीं, ये तो हमें पहले से पता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ ये पता है। इनके अनुसार DQ कितना होना चाहिए, इनके अनुसार DQ होना चाहिए T dx। अब dx इसको हम डिफरेंशिएट करूं तो क्या होगा, डीएक्स इसको मैं डिफरेंशिएट करूं अगर तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3/2 R और 1/TA TA/T, चेक करो जरा, DT प्लस इसका डिफरेंशिएशन R/VA, VA/VDV, क्या मैं सही लिख रहा हूं कि नहीं, ये इसका डिफरेंशिएशन ये सही है क्या, चेक करो भाई, डिफरेंशिएशन चेक करो पहले, सही है दिनेश, बोलो यार, तुम लोग इंटरैक्टिव हो, बोलो सही है कि नहीं है दिनेश, यस सर, सही है, यस सर, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये हमने डिफरेंशिएट कर दिया। तो अगर मैं इसको और सिंपलीफाई करूं, जो डीएक्स मैंने लिखा है, तो अगर इसको सिंपलीफाई करूं तो क्या होगा, ये इस ब्रैकेट को अगर सिंपलीफाई करूं तो क्या लिखा हुआ है, ये जो ब्रैकेट है इसको और काट वाट के लिखो तो क्या लिखा हुआ है, बताओ कोई बताएगा, इसको सिंपलीफाई करो, इंक भर रहा हूं, इंक भर लो, हाँ अरे ये कट जाएगा, बताओ DQ क्या आ जाएगा, DQ 3/2 R, और TT कट जाएगा, DT लिखा है प्लस, यहां से T अगर आएगा तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा RT/V DV, यही तो लिखा है, यस बोलो, मोनोटॉमिक के सर, लिए सीवी होता है, अरे N1 है, NCVDT लिखा है ये, और ये प्रेशर हुआ कि नहीं 1 मोल के लिए, पीवी आरटी की जगह पीवी लिखा जाएगा 1 मोल के लिए,
वन मोल की तो बात हो रही भाई, तो ये प्रेशर तो लिखा है प्रेशर डीबी, नहीं समझे मेरी बात। तो ये जो इन्होंने कंफ्यूज करने की कोशिश की वो सिर्फ ये बता रहे थे कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है। मेरी बात समझ नहीं पाए, जब ये तो मुझे पहले से पता था डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस यू डब्ल्यू, और इनका जो स्टेटमेंट गिवन था उसको जब मैं सिंप्लीफाई किया टी डी एक्स करके तो वो भी इसी में कन्वर्ट हो रहा है। ये डेल्टा यू लिखा होता है, डी यू होता है एन सी वी डी टी और डी डब्ल्यू होता है पी डी वी, ये जानते कि नहीं? अरे तुम लोग समझे कि नहीं मेरी बात? अबे अनुष्का, दिनेश, गुलाब, मैं, इन्होंने एक थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस की बात की, इन्होंने स्टेटमेंट में कहीं नहीं लिखा है कि इनका जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है वो फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है, ये नहीं लिखा है। ये समझे मेरी बात? इस पूरे कॉम्प्रिहेंशन में, इस पूरे मैच द कॉलम का जो क्वेश्चन गिवन है उसमें कभी नहीं मेंशनड है कि आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो, ये तो लिखा नहीं था। इसको ना लिखते हुए इन्होंने कुछ एक हाइपोथेटिकल मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनाया, उस स्टेटमेंट से हमने ये प्रूव कर दिया कि ये स्टेटमेंट यही तो है, बस अब इसके बाद कुछ नहीं है। इसका मतलब पूरे क्वेश्चन में हमने कन्वर्ट कर दिया, ये प्रूव कर दिया कि जो इनका क्वेश्चन है उसमें हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो अपना लॉज है उसको हम यूज कर सकते हैं कंफर्टेबली, ये हमने कर दिया। बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 17 पर मैं आ गया। ये क्या है, इसमें एक पीवी डायग्राम बना हुआ है, पीवी डायग्राम, तो बच्चा इसी से डर जाएगा। जो ये चीज लिखी हुई है ना, किसी को बात, इसी बात को देख करके बच्चे डर जाएंगे और आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। उसके बाद बहुत आसान है, यहाँ पर एक, यहाँ से एक पाथ दिखाया गया है ऐसा, और फिर ऊपर ऐसा कुछ गया है, ये एक ग्राफ दिया है। यहाँ पर कितना है वी नॉट, यहाँ पर कितना है टू वी नॉट, और ये प्रेशर है पी नॉट, और ये प्रेशर है थ्री पी नॉट बाई टू। ये पॉइंट नंबर वन है, पोजिशन नंबर वन, ये पोजिशन नंबर टू है, ये पोजिशन नंबर थ्री है। जल्दी बताते जाओ हमें क्या क्या निकालना है। हमें वर्क डन ड्यूरिंग वन टू थ्री वर्क डन निकालना है। तो पीवी डायग्राम है, वर्क निकालना है, तो इस पूरे प्रोसेस में एरिया अंडर द कर्व निकाल लें। अरे डब्ल्यू वन टू क्या होगा, एरिया इसके नीचे का एरिया, तो ये वाला साइड वी नॉट पी नॉट, तो पी नॉट वी नॉट हो गया, और ये तो आइसोकोरिक है तो इसका एरिया जीरो हो गया। तो वन टू थ्री में बर्डन इतना आ गया पी नॉट वी नॉट। अब पी नॉट वी नॉट क्या होता है, एनआर टी नॉट, एन वन मोल है। अरे नहीं जान पाए क्या तुम लोग? ये बहुत आसान है कि नहीं? चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल लेते हैं डेल्टा यू इस प्रोसेस में, तो डेल्टा यू क्या होगा, ये तो डेल्टा डब्ल्यू आ गया, एन सी बी, एन सी बी डेल्टा टी, एन है वन, सी बी होता है थ्री बाई टू आर, और डेल्टा टी यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा, पी वी प्रेशर इंटू वॉल्यूम बाई आर, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम थ्री पी नॉट वी नॉट, थ्री पी नॉट वी नॉट बाई आर, यही तो ऐसा होगा। बोलो भाई बच्चे, इसमें क्या लिखा है, पी नॉट बी नॉट की वैल्यू कुछ लिखी हुई है क्या? ऐसा तो नहीं पी नॉट बी नॉट की जगह हमें लिखना था 1/3 RT0। अच्छा ये दिया गया है ना पी नॉट बी नॉट को, 1/3 RT0 लिखना है। जहां जहां पी नॉट बी नॉट आएगा वहां इन्होंने मेंशन किया है कि इनके यहाँ क्या लिखना है। नहीं समझे? अरे बोलो आगे, यस या नो बोलो। यस सर। तो ये समझ गए ना बात को? यस सर। कि नहीं? अब डेल्टा यू निकालो, डेल्टा यू कितना आएगा बोलो, एन सी वी डेल्टा टी, सी वी कितना होता है मोनाटॉमिक के लिए, बाय टू।
तो लिख दो ना यार, 3/2 R, और डेल्टा T यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम बाय R, 3P0V0 माइनस P0V0, तो कुल मिलाकर आ जाएगा ये 3P0V0 इनटू R है? अरे नहीं आएगा भाई, देखो यहाँ बाई आर होगा, बाई आर होगा। अब पी नॉट वी नॉट को 1/3 R, तो आर टी नॉट आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत फर्जी क्वेश्चन। और क्या निकालना है बोलो? अबे डेल्टा डब्ल्यू निकालना था, डेल्टा यू निकालना था, और क्या निकालना था 17th क्वेश्चन में, जो लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या लिखा और क्या क्या चेक करना, वो पैराग्राफ में देखो। डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू निकालना है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू किस प्रोसेस में, 1, 2, 3? यस सर। तो डेल्टा क्यू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। एक ऐसा क्वेश्चन, डेल्टा यू कितना आया था, आर टी नॉट प्लस 1/3, तो 1/3 + 1, 4/3 आर टी नॉट। और क्या निकालना था? 1 से लेकर 2 डेल्टा क्यू, 1 से 2, ये तो 1, 2, 3 हो गया ना पूरे प्रोसेस का, डेल्टा क्यू 1 से 2 ना, तो 1 से 2 ये कौन सा प्रोसेस है, आइसो आइसो बारिक, तो एनसीपी डेल्टा टी, ये आइसो बारिक है ना, कांस्टेंट प्रेशर, तो एनसीपी डेल्टा, एन वन है, सीपी कितना होता है 5/2 R मोनोटॉमिक का, डेल्टा टी यहाँ का टेम्परेचर 2P0V0 माइनस P0V0 दिस इज इक्वल टू 5/2 R, P0V0 को 1/3 RT0 लिखा है क्या, P0V0 / R टेम्परेचर, तो आर आर कट गया है ना, P0V0 को 1/3 R T0 ऐसा लिखा है क्या, तो ये 5/6 RT0। और कुछ निकालना था इसमें, अरे और कुछ निकालना था, मेरा ये बंद हो गया। अरविंद क्या निकालना था दूसरा कुछ है? नहीं 17th में हम मैच कराओ, अब नहीं निकालना है तो अब मैच कराओ ना, कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन। तो इसमें बताओ क्या डिफिकल्टी थी, अभी ये डिसाइड करो कि ऐसे क्वेश्चन को, वैसे बहुत बच्चों ने छोड़ दिया होगा, अगर जिन्होंने एडवांस दिया होगा इस क्वेश्चन को देखते ही छोड़ दिया होगा, नहीं समझे, बात समझो ना, इसको क्वेश्चन करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन का जो मैसेज है वो आपको क्लियर होना चाहिए। क्यों सर्वेंद्र, क्वेश्चन आसान है कि डिफिकल्ट है, क्या है ये सर? आसान है, अरे ग्राफ दिख रहा है, इससे आसान क्या हो सकता है भाई, फार्मूले पर रखना है और वैल्यू निकालनी है, नहीं समझे। गुलाब सर समझे, अरे आसान था ना, लेकिन यहाँ घबराहट बहुत होगी स्टार्टिंग में, जो स्टार्टिंग में जो लिखा नहीं लंबा चौड़ा कि ऐसा होता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, इनफाइनिटेसिमल लिख दिया उसको और वो कर दिया, वो सिर्फ ये बात बताना चाहते थे, ये जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है ये प्रोसेस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है, इस बात को लिखने के बजाय उन्होंने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इस तरह से बनाया कि उसको अगर डिफरेंशिएट करके टी से मल्टीप्लाई किया जाए तो DU DU + DW के फॉर्म में आ जाए, CVDT + PDV के फॉर्म में आ जाए, लिखने का एक तरीका था। 18th क्वेश्चन, क्या 18th क्वेश्चन भाई, फिर से ग्राफ दिया है, मुझे लग रहा है कर लोगे, अब तो बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में 1 से 2 कौन सा प्रोसेस है, क्वेश्चन नंबर 18 में 1 से 2 कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल, बहुत आसान क्वेश्चंस एडवांस्ड के होते हैं, इसमें पहले दिन से कहता चला आ रहा हूं
कि एडवांस्ड का जो एग्जाम है वो मेन से क्यों आसान है, और आसान इसलिए है क्योंकि उसको लोग कठिन मानते हैं, तो जो आसान मान लेगा तो वैसे भीड़ ही कम हो गई ना आसान मानने वाले की, उसको कठिन लोग मानते हैं, उल्टा है। स्कूल वालों ने सब खराब कर दिया भाई काम, इतना डर पैदा कर दिया है पढ़ाई को लेकर के। अरे ऐसे ऐसे टीचर थे खूब, पता नहीं क्या क्या पढ़ाते रहते थे और बहुत ज्यादा मतलब डिसिप्लिन, बोल नहीं सकते हो सब कुछ, और उसके बाद काम की बात कुछ नहीं। 3/3 और उसमें खुद पसीना पसीना हो जा रहा है, मतलब गर्मी वाला पसीना तो अलग बात है, उसमें तो मुझे पसीना आ रहा है, वो वाला पसीना मतलब फर्जी वाला, ठंडियों में लगे हुए हैं, छोड़ दो जैसे नहीं करना है। तो ये कौन सा है, ये एक्सिस, ये वी नॉट हो ना, ये वॉल्यूम एक्सिस है, ये ग्राफ दिया गया है। बोलो ये 1-2 कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल, कौन सा है, आइसोथर्मल। अगर पीवी डायग्राम नहीं है तो आप एरिया अंडर कर्व से नहीं निकाल पाओगे, या तो उसको, तो आइसोथर्मल में वर्क कितना होता है, 1-2 में वर्क बताओ कितना होगा, आर टी आर, यहाँ का टेम्परेचर कितना है, T0/3, इतने टेम्परेचर पर कॉन्स्टेंट है, लॉग V2/V1 2 LN2 और 2-3 तो आइसोकोरिक है, उसका वर्क जीरो हो गया, तो 1-2 तक जाने में, 3 तक जाने में सिर्फ यही तो जोड़ दो, आर टी नॉट बाई थ्री एल एन टू, ऐसा कोई ऑप्शन लिखा है, डेल्टा यू क्या होता है, हमेशा एल सी वी डेल्टा टी, ये तो पहले वाला होगा, प्रोसेस पर डिपेंड ही नहीं करता, एन मतलब 1 मोल, सी वी कितना है 5/3 आर इंटू डेल्टा टी, यहाँ का टेम्परेचर कितना है टी नॉट, माइनस यहाँ का टेम्परेचर टी नॉट है 3 का, और 1 का टेम्परेचर कितना है T0/3, so this is equal to 5/3 R into 2 T0/3, so this is 10 RT0/9, ये 5/3 नहीं होता, 3/2 R, कितना होता है CV, अरे CV कितना होता है monatomic gases का, हाँ 3/2 R होता है ना, क्या हो गया तुम लोग, क्या भूल चुके हो, यस सर, थ्री कट गया तो आर टी नॉट आ गया, और क्या निकालना है बताओ, डेल्टा क्यू निकालना हो, डेल्टा क्यू होता डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा यू निकाल चुके हैं आर टी नॉट, डब्ल्यू निकाल चुके हैं आर टी नॉट बाई 3 LN2, बोलो ये हो गया। अब क्या निकालना था, डेल्टा क्यू 1-2, 1-2 में प्रोसेस में, 1-2 कौन सा प्रोसेस, आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल में डेल्टा यू जीरो होता है, तो जो डेल्टा डब्ल्यू होता है वही डेल्टा यू होगा। देखो अगर ये चीज जीरो है, अगर आइसोथर्मल हो गया तो आइसोथर्मल में जो डेल्टा डब्ल्यू होगा वही डेल्टा क्यू होगा, ये डेल्टा डब्ल्यू हम लोग 1-2 में निकाल चुके हैं, This is equal to R T naught by 3 ln 2, मैच कराओ, क्या कहीं मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यस सर, किससे मैच करेगा, कौन सा होगा, हाँ हो गया ना, अरे बोलो नहीं हुआ, कौन सा मैच कर रहा है, बताओ अनुष्का, इसमें कोई बहुत दिक्कत की बात थी क्या, इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, कोई नहीं सकता कोई क्वेश्चन और आसान इससे, नेक्स्ट किस ईयर का बताओ, 2018 का जो भाई पेपर 1, नंबर कौन सा, 6, अबे
कौन सा क्वेश्चन है? 18 पेपर 1 12 छठा क्वेश्चन 6 छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है? 6 वाला है ये पेपर 1 में। अरे पेपर 1 में 6 क्वेश्चन उसका है ना ये तो। अच्छा पेपर 1 में, अच्छा मैं पेपर 2 देख रहा हूं। पेपर 1 में ये है पेपर 1 6 क्वेश्चन ना। मेरे पास पेपर वन ही नहीं है क्या? क्वालिटी पेपर वन एक क्वेश्चन। वन मोल ऑफ ए मोनोटॉमिक कार्डियक गैस अंडरगोज साइक्लिक प्रोसेस शोन इन द फिगर। ही तो यस सर। देखो भाई तो कैसा है, करना पड़ेगा। ये कैसा क्वेश्चन है, तो बहुत आसान लग रहा है। इसमें बताओ कौन कौन सा प्रोसेस है, ये तो वैसे ही कर देंगे, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें पहला जो प्रोसेस है कौन सा प्रोसेस है? टीवी डायग्राम गिवन है, टीवी आइसोबारिक। ये कैसे पता? टीवी ये टीवी अजीब टाइप का, चलो नहीं पता चल रहा है मान लो। सेकंड प्रोसेस क्या है? सेकंड प्रोसेस आइसोथर्मल। आइसोथर्मल है ना? यस सर। तो दो आइसोथर्मल है, समझे कि नहीं? सेकंड और फोर्थ आइसोथर्मल तो है, देखो दिखाई पड़ रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। यस सर। और वन और थ्री ये क्या होगा? आइसोबारिक नहीं होंगे। आइसोबारिक में अगर किया जाए तो प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो पीवी बराबर एनआरटी होता है, तो वी प्रोपोर्शनल टू टी आ जाएगा, तो उसमें तो स्ट्रेट लाइन पासिंग से ओरिजिन आएगी। यस सर। नहीं समझे बात मेरी? तुम समझदार बच्चे हो भाई। अगर आइसोबारिक हो तो प्रेशर कांस्टेंट होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा तो पीवी बराबर एनआरटी में पी कांस्टेंट है, तो टी प्रोपोर्शनल टू वी हो जाएगा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। Yes, sir. तब तो उसका टीवी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि ओरिजिन से पास होगा। तो ये कहना कि आइसोबारिक तो सही नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन भी सही है। नहीं समझे? Yes, और yes, पहला sir. तो गलत ही है, आइसोकोरिक थोड़े है, फर्स्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन थोड़े है वर्टिकली। Yes, आइसोकोरिक नहीं है तो पहला ऑप्शन इसमें लिखा है। प्रोसेस टू क्या है? आइसोथर्मल है ना? अरे प्रोसेस टू में आइसोथर्मल है। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है कि कंप्रेशन है? प्रोसेस टू एक्सपेंशन है ना, तो एक्सपेंशन है। तो आइसोथर्मल में डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू। डेल्टा यू जीरो है, एक्सपेंशन है, तो ये चीज पॉजिटिव आ गई, ये भी पॉजिटिव होगा। तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव होने का मतलब हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। अरे किसी का चेंज बढ़ गया तो पॉजिटिव है, ये हो गया। तो और जब जब सेकंड में अब्सॉर्ब करेगा तो फोर्थ में रिलीज करेगा, इसी का उल्टा प्रोसेस तो है। यस। आइसोथर्मिक आइसोथर्मल एक्सपेंशन था सेकंड प्रोसेस, तो आइसोथर्मल जो वो होगा ना कि आइसोथर्मल कंप्रेशन, तो उसका उल्टा होगा उसमें प्रोसेस। तो ये भी सही हो गया और बस हो गया क्वेश्चन बी सी डी। अब ये तो वैसे ही क्वेश्चन था देख करके, इसमें गलती क्या कर सकते थे, ये तो सही सबका होगा मुझे लग रहा। इसके बाद अब है टू में क्वेश्चन 12 और क्वेश्चन 17। पेपर टू में, पेपर टू, पेपर टू में कौन सा क्वेश्चन नंबर 12? यस सर। वन मोल ऑफ अ मोनोटॉमिक आइडियल गैस अंडरगोज एन एडियाबेटिक एक्सपेंशन इन विच इट्स वॉल्यूम बिकम्स 8 टाइम्स इट्स इनिशियल वैल्यू। इफ द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस इज 100 केल्विन एंड द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज गिवन, द डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। बहुत आसान सीधा क्वेश्चन है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है।
2018 paper 2 paper 2 क्वेश्चन क्या है कि वन मोल ऑफ अ मोनोटॉमिक तो पहली इंफॉर्मेशन मोनोटॉमिक वन मोल n इज इक्वल टू वन है ना अंडरगोज एन एडियाबेटिक एक्सपेंशन तीसरी इंफॉर्मेशन एडियाबेटिक एक्सपेंशन ठीक है ना फिर इन विच इट्स वॉल्यूम बिकम 8 टाइम्स इट्स इनिशियल वॉल्यूम V final V2 बराबर 8 V1 and initial temperature of the gas is 100 Kelvin और R की value दिया है 8 units ना 8 joule per mole per Kelvin ना ये दिया गया है तो हमें delta U निकालना है शायद हमें निकालना है the decrease in internal energy सीधा formula जिससे डेल्टा यू होता है एन सी वी डेल्टा टी होता है कि नहीं बोलो एन कितना है वन सी वी कितना है टी बाई टू आर ये क्या है टी टू माइनस टी वन हमें टी टू निकालना है वी वन टी वन एक फॉर्मूला होता है टी वी की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एडियाबेटिक के लिए तो टी वन वी वन की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस वन सो T2 इज इक्वल टू V1 बाय V2 की पावर गामा माइनस सो T2 इज इक्वल टू T1 कितना 100 V1 बाय V2